हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें इंटरव्यू नहीं होगी, डायरेक्ट भर्ती होगी। बस एक एग्ज़ाम आपको पास करना है, इसके तहत आपको भर्ती किया जाएगा, जिसकी सैलरी 21,000 रुपये से स्टार्ट होती है। टोटल वैकेंसी भी 6,000+ है और ये ऑल इंडिया जॉब आपको मिल रहा है। ऑल इंडिया में कहीं भी ये जॉब आपको मिल सकता है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चैनल नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज भी यहाँ पे है, लैंग्वेज वाइज भी है। तो कहाँ से कैसे वैकेंसी है सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टेट वाइज है, लैंग्वेज वाइज है, साथ में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर और पीएचडी सारा कुछ इसमें दिया गया था। इसमें आपको 6100 वैकेंसी है, 6100 वैकेंसी आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया है कि जैसे गुजरात स्टेट है तो उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज में, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना कितना वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके ले गया था, जिसमें आप वेबसाइट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जाके देख सकते हैं। उसमें भी आपको सारा कुछ बताया गया है कि वैकेंसी का नाम, पोस्ट नेम, अप्रेंटिस है, टोटल वैकेंसी 6100 है और अप्लाई मोड ऑनलाइन है, आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटेन एग्जाम होगा, बस एक एग्जाम आपको होना है। जॉब लोकेशन अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया है, पूरे भारत में आप ये अप्लाई कर सकते हैं और मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया का, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है कि ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर किए हैं तो आप भर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। साथ में आपको देख सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का बात करें तो 1 ईयर का आपको ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के लिए है। साथ में स्टाइपेंड भी आपको 15,000 तक का मिलता है, अगर अलाउंस के साथ लेगा तो 21,000 तक ये आपको मिल सकता है। साथ में अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आप नेम ऑफ टेस्ट में आप देख सकते हैं कि जनरल फिनेंस अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है, जिसमें 25-25-25 करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका मैक्सिमम मार्क्स भी 25-25-25 करके रहेगा और सबका 15 मिनट दिया जाएगा। टोटल 1 घंटा का ये एग्जाम होने वाला। अब मैं आपको बता दूं तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। साथ साथ आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर भी दिखाया गया है कि कहाँ पर आपका एग्जाम होगा, कौन से स्टेट में, किस जिले में, सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है। एग्जाम सेंटर वगैरह आपको दिया है, आप इनसे चूज करके एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा लोकल लैंग्वेज का, साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आपका बनाया जाएगा। अगर हम जनरल ओबीसी की बात करें तो यहाँ 300 रुपया लग रहा है, जबकि एससी एसटी को पैसा नहीं लग रहा है। आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम भी बहुत सारी है। और साथ में यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ इसमें बताया गया है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो डेट्स है वो 6 जून 2021 से स्टार्ट हो रही है, जो कि 26 जुलाई 2021 तक चलेगी। अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करके उसके वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, यहाँ भी सारा कुछ आपको दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। लॉग इन करके भी आप इसे भर सकते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं किए तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो 5 प्रक्रिया में आपको सारा कुछ भरना होगा, जिसमें फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी वगैरह बेसिक इन्फो आपको भरना होगा। सारा कुछ यहाँ पर आप भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ आपको भरना होगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर है, उसके बाद डिटेल्स है, फिर प्रीव्यू है, उसके बाद पेमेंट है, तो ये आप भर दीजिएगा। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोग के लिए लाया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।